मैं गायत्री कसोटिया, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो ईएल 204 और सीएस 204 के विषय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट 5 से है, रेक्टिफायर सर्किट। इस यूनिट से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में स्टडी किया था और हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ पैरामीटर का एनालिसिस किया था। अब वही एनालिसिस हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे जो कि आज के इस टॉपिक में है। तो सबसे पहले हमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इक्वेशन जाननी होगी। तो देखें, टू एनालाइज ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट लेट अस अज्यूम द इनपुट वोल्टेज VI। जो इनपुट वोल्टेज होती है किसी भी रेक्टिफायर की वो एक AC होती है। तो AC सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टाइम वेरिंग फंक्शन लेते हैं जो कि साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अधिकतम वोल्टेज है वो है VM। तो जो इनपुट हमारा वेरिएशन हो रहा है वो है VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। Now the current I1 through the diode D1 and load resistor RL is given by। जैसा कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट पढ़ा था उसमें दो डायोड हमारे यूज होते हैं D1 एंड D2। तो D1 डायोड के अक्रॉस करंट I1 होती है और लोड रेजिस्टेंस RL होता है। तो हम I1 के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो है I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। I1 जो आ रही है वो कौन से पीरियड के लिए आ रही है, जब ओमेगा टी जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है तब हमारी जो I1 है वो IM साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। और जो सेकेंड हाफ होता है उस समय पे हमारा पाई से 2 पाई के बीच में जो करंट मिलता है I1 वो 0 मिलता है। तो ये हमारी I1 की एक करंट इक्वेशन हो गई। अब इसमें जो IM है वो मैक्सिमम करंट है सर्किट की। तो मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए हमें सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज पता होना चाहिए और सारे रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज VM एंड द रेजिस्टेंस आर RS जो कि सेकेंडरी कॉयल इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ में जो फॉरवर्ड डायोड होता है जब उस समय रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस और RL इज द लोड रेजिस्टेंस। तो हमारी जो मैक्सिमम करंट है दैट विल बी VM अपॉन RS प्लस RF प्लस RL। तो इसी प्रकार से हम I2 करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो I2 जो करंट है दैट इज थ्रू द डायोड एंड लोड रजिस्टर RL विच इज गिवन बाय। तो हम कहते हैं सेकेंड हाफ में डायोड D2 वर्क करता है और D1 ऑफ रहता है। तो जो सेकेंड हाफ है यानी 0 से पाई की ड्यूरेशन में तो हमारी I2 करंट 0 होगी लेकिन पाई से 2 पाई के मध्य यहाँ पे करंट जो होगी वो हमारी अवेलेबल होगी। तो I2 का जो मान है वो IM साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने I1 और I2 की कैलकुलेशन करी। I1 और I2 हमारी लोड रेजिस्टेंस पे हमें प्राप्त होती है। तो फाइनली जो हमारी करंट आती है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम उसको इस प्रकार से बताते हैं, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू RL इज द सम ऑफ द टू करंट्स I1 एंड I2 दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 क्योंकि बारी बारी से डायोड ऑन और ऑफ हो रहे हैं दैट्स वाई। अब हमें जो पैरामीटर इसमें एनालिसिस करने हैं वो पहला पैरामीटर है हमारा एवरेज और DC करंट जिसको डिनोट करते हैं I एवरेज और IDC से। इसके लिए जो हम फॉर्मूला बताते हैं वो है I एवरेज इज इक्वल टू या IDC इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फॉर हाफ साइकिल अपॉन बेस फॉर हाफ साइकिल। तो हम ये बताते हैं जिस ड्यूरेशन में हमें हाफ साइकिल या वो साइकिल प्राप्त हो रहा है उस ड्यूरेशन की कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज निकल आता है उसका। तो 0 से पाई यहाँ पे जो है वो पाई से 2 पाई में भी रिपीट हो रहा है तो हम एक एवरेज मानते हैं कि 0 से पाई से रिपीटेशन हो रहा है दैट्स वाई 0 से पाई। और जो करंट है वो लोड करंट है IL डी ओमेगा टी अपॉन और जो ड्यूरेशन है वो पाई है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें हम IL का जो मान है वो IM साइन ओमेगा टी लिख देते हैं लोड करंट। तो हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है IM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू 0 से पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे हमारा डिवाइड में पाई आ जाएगा।
जो हमारी कांस्टेंट टर्म है आई एम वो बाहर आ जाएगी और पाई भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई। तो जीरो से पाई साइन ओमेगा टी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जीरो से पाई हमारी जो लिमिट है वो हमने यूज करी यहाँ पे, और आई एम अपॉन पाई बाहर आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट आई एम अपॉन पाई बाहर है, अब हम इस पे बारी बारी से लिमिट लगाते हैं, एक बार पाई और एक बार जीरो। तो माइनस बाहर है तो माइनस कॉस पाई, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस जीरो, ये दूसरी लिमिट। तो कॉस पाई का जो मान होता है वो होता है माइनस वन और कॉस जीरो का मान होता है प्लस वन। तो यहाँ पे माइनस वन माइनस से मिलके प्लस हो गया, तो ये टोटल हो गया टू। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या हो जाता है, आई डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस आई एम अपॉन पाई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, और दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ करंट। नाउ द कैलकुलेशन अबाउट एवरेज और डीसी वोल्टेज, जिसको डिनोट करते हैं वी एवरेज और वी डीसी से। हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होती है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है। हमने डीसी करंट पहले कैलकुलेट कर ली है, और जो हमारी वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस है, तो हमारा जो वी डीसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हो जाता है आई डी सी इंटू आर एल। आई डी सी को हमने ऊपर जो अब इक्वेशन वन में फाइंड आउट किया है वहां से हमने इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, टू आई एम अपॉन पाई, तो टू आई एम अपॉन पाई हो गई। अब आई एम हम जैसा कि पहले जान चुके हैं कि आई एम है मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है, तो उसको निकालने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज देखते हैं और सारे जो रेजिस्टेंस है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो मैक्सिमम करंट निकल के आ जाती है। तो ये हम पुट कर देंगे आई एम की जगह पे। तो आई एम पे यहाँ पे हमने पुट करने के बाद में देखा कि यहाँ ट्वाइस वी एम आर एल अपॉन पाई ब्रैकेट में आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल हो गया। अब हमने जो आर एल है वो नीचे हम लेके आ जाते हैं, तो नीचे लेके आने के बाद में क्या होता है आर एल से आर एल डिवाइड होकर वन हो जाता है और आर एस प्लस आर एफ अपॉन आर एल रह जाता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके बाद में हम कंसिडरेशन करते हैं कि आर एस और आर एफ जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत स्मॉल है इन कंपेरेटिव टू लोड रेजिस्टेंस। तो हम कंपेरिजन में देखते हैं आर एल ग्रेटर देन आर एस प्लस आर एफ, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस पैरामीटर। तो हम इसको जब नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो रिमेन रहता है वो है ट्वाइस वी एम अपॉन पाई। तो वी डी सी क्या निकल किया जाता है ट्वाइस वी एम अपॉन पाई, इसे हम इक्वेशन नंबर टू पुट कर देते हैं। इस प्रकार से आज जो हमने कैलकुलेशन करी वो हमने करी एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेशन देखेंगे आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज की। थैंक यू।